गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। यस मैम, आ रही है। माइक बंद रखिए सभी। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि चेबिंग ऑफ फूड से डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है और उस पे सलाइवा मिक्स होता है। जो हमारा सलाइवा होता है वो एक तरीके का एंजाइम होता है जो कि सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है। और इसका वर्क क्या है, जनरली जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि फूड में प्रेजेंट होते हैं उनके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने का काम ये एंजाइम करते हैं। हमने यहाँ तक डिस्कस किया था, साथ में हमने एक एक्टिविटी देखा था। उस एक्टिविटी के बारे में बताइए, क्या क्या प्रोसेस हमने किया था उस एक्टिविटी में। मैम, एक टीस्पून व्हीट फ्लोर लिए थे और उसमें डाइल्यूट स्टार्च ऐड किए थे और टेस्ट ट्यूब लिए थे, उसको मिक्स किए थे। उसके बाद उसमें उसको कुछ आवर के लिए रख देते हैं, फिर देखते हैं कि उसमें स्टार्च मिक्स है कि नहीं। ये एक्टिविटी किए थे। कोई और बताना चाहेगा? किसी को नहीं पता? अभी जो आंसर दिया वो किन्होंने दिया? अंकिता ने दिया मैम। कोमल। कोमल, हाँ। पूरी एक्टिविटी नहीं बताई बेटा आपने। देखिए, हमने क्या किया था, 125 ml का हमने एक बीकर लिया था। उस बीकर पे हमने लगभग 125 ml डिस्टिल वाटर को लिया था और उस डिस्टिल वाटर पे हमने क्या, व्हीट फ्लोर और टीस्पून ऐड किया था। फिर हमारा एक सॉल्यूशन बन गया। व्हीट फ्लोर जब आप डिस्टिल वाटर पे ऐड करोगे और उसका जो सॉल्यूशन बनेगा वही आपका एक्चुअल में कौन सा सॉल्यूशन होता है, स्टार्च सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब उस सॉल्यूशन में हमको तो हमने सॉल्यूशन बना लिया तो इतना तो पता है कि वो एक स्टार्च सॉल्यूशन है, लेकिन उसको कंफर्म हमको करना है कि हाँ एक्चुअल में जो व्हीट फ्लोर हमने लिया उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। ये कंफर्म करने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं और उस टेस्ट में हम क्या करते हैं, दो टेस्ट ट्यूब लेते हैं सबसे पहले और उनका नॉमेनक्लेचर कर देते हैं कि जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है हमारा वो ए टेस्ट ट्यूब है और जो सेकेंड टेस्ट ट्यूब है हमारा वो बी टेस्ट ट्यूब है। दोनों ही टेस्ट ट्यूब में हमको 20 to 25 ड्रॉप्स, या तो 20 ड्रॉप्स या फिर 25 ड्रॉप्स हमको क्या लेना है, जो व्हीट फ्लोर का मैंने सॉल्यूशन बनाया था इन अ 125 ml। देखिए, मैम वॉइस नहीं आ रही आपकी।
हाँ बेटा, वो थोड़ा सा वर्क था ना उसमें। चलिए, हाँ तो हमने जो टेस्ट ट्यूब लिया, उस टेस्ट ट्यूब में मैंने बताया आपको कि आपको जो सॉल्यूशन आपने फर्स्टली प्रिपेयर किया था, जो वीट फ्लोर का सॉल्यूशन था, उसी सॉल्यूशन का या तो 20 ड्रॉप्स या फिर 25 ड्रॉप्स आपको क्या कहाँ लेना है, इन दो टेस्ट ट्यूब में लेना है सेपरेटली, ठीक है। इसको लेने के बाद जो आपका ए टेस्ट ट्यूब है, जिसको आपने ए इंडिकेशन दिया है, उस टेस्ट ट्यूब में जितना आपने वीट फ्लोर का सॉल्यूशन लिया है, उतने अमाउंट ऑफ सलाइवा आपको मिक्स करना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, देखिए, जो आपका बी टेस्ट ट्यूब है, उसपे भी आपने क्या किया, वीट फ्लोर का सॉल्यूशन लिया है, लेकिन उसपे आपको सलाइवा मिक्स नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए, एक टेस्ट ट्यूब में सलाइवा मिक्स है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में सलाइवा मिक्स नहीं है। अब इन दोनों टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब स्टैंड में रखकर फॉर अ 2 आवर्स आपको सनलाइट के कांटेक्ट में रख देना है, ठीक है। जब 2 आवर्स हो जाए, उसके बाद आपको इसपे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। अगर आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद इन दोनों ही टेस्ट ट्यूब में किसी टाइप का चेंजेस आपको अपीयर हो रहा है, तो वो चेंजेस आपको स्टार्च की प्रेजेंस को बताएगा, क्योंकि जब हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया था तो हमने उसका टेस्ट किया था, और टेस्ट में हमने ये देखा था कि जैसे ही हम सॉल्यूशन पे टिंचर आयोडीन का जो सॉल्यूशन है वो डालते हैं या ड्रॉप्स डालते हैं, तो जो स्टार्च है या जो सॉल्यूशन है वो या तो ब्लू कलर में या तो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता था, जिससे हमको क्लियर हो जाता था कि वहां पे क्या प्रेजेंट है, स्टार्च या प्रेजेंट है। तो अभी हमको इन दोनों ही टेस्ट ट्यूब में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है ये पता करना है। तो अब इसमें मैंने दोनों ही टेस्ट ट्यूब पे आयोडीन सॉल्यूशन ऐड किया, तो देखिएगा जिस टेस्ट ट्यूब में आपने सलाइवा मिक्स किया हुआ है, उस टेस्ट ट्यूब में आपका जो स्टार्च है वो अपीयर नहीं होता, लेकिन जिसमें हमने सलाइवा मिक्स नहीं किया है उसमें स्टार्च अपीयर हो जाता है। कैसे ये पता चला? बिकॉज आफ्टर 2 आवर्स जब हम उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इन अ बोर्ड टेस्ट ट्यूब ऐड करते हैं, तो कलर चेंजेस अपीयर होता है। वो कलर चेंजेस हमको ओनली कहाँ पे अपीयर होता है, जो हमारा टेस्ट ट्यूब ए है, सॉरी, जो हमारा टेस्ट ट्यूब बी है, जिसमें हमने सलाइवा मिक्स नहीं किया है। तो जो ए वाला टेस्ट ट्यूब था, उसमें ब्लू या ब्लैक कलर अपीयर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसमें जो सलाइवा था, उस सलाइवा ने स्टार्च के साथ क्या कर लिया, रिएक्ट कर लिया। उसपे जितना भी स्टार्च प्रेजेंट था, उसको सलाइवा अब जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल था उसको सिंपल मटेरियल में कन्वर्ट कर चुका है, जिसकी वजह से वो जो हमारा स्टार्च था उसको सलाइवा ने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो जब आप आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे तो वो टेस्ट हमको अपियर नहीं करेगा, लेकिन टेस्ट ट्यूब बी में हमने तो सलाइवा डाला ही नहीं है, तो स्टार्च को किसी ने भी एब्जॉर्ब नहीं किया, और उसमें हमको टेस्ट क्या हो जाता है, अपीयर हो जाता है, ठीक है। तो इससे ये बात पता चलती है कि जब फूड मटेरियल के थ्रू स्टार्च बॉडी में जाता है, तो डाइजेशन का प्रोसेस जहां से स्टार्ट होता है, चेविंग ऑफ फूड से, वहां से ही सलाइवा मिक्स क्यों होता है, क्योंकि उसपे प्रेजेंट जितने भी स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट हैं उसको सलाइवा एब्जॉर्ब कर लेता है, और वही सलाइवा उसको हमारी बॉडी के अंदर धीरे धीरे लेता जाता है। इस वजह से एक टेस्ट ट्यूब में हमको क्या अपियर हुआ, जो सलाइवा है, जिसमें सलाइवा प्रेजेंट है उसमें स्टार्च अपियर नहीं हुआ, और जिसमें सलाइवा प्रेजेंट नहीं है उसमें स्टार्च अपियर हो गया, ठीक है। तो इसको स्टार्च टेस्ट बोला जाता है, जो कि विद द हेल्प ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन एक्सपेरिमेंट करके रिजल्ट निकाला जाता है, ठीक। अब नेक्स्ट इसमें एक्टिविटी बताई गई है, इस एक्टिविटी में आपको करना क्या है, देखिए,
जनरली इस एक्टिविटी में भी आपको वीट फ्लोर का सॉल्यूशन या फिर स्टार्च का सॉल्यूशन, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, देखिएगा आप लोग अपनी बुक पे ठीक कर लीजिएगा, वीट फ्लोर का सॉल्यूशन या फिर आपको किसका स्टार्च का सॉल्यूशन लेना है, ठीक है। स्टार्च सॉल्यूशन मतलब बॉइल्ड राइस को बॉइल्ड करने के बाद जो भी हमारे पास वाटर ड्रेन्ड आउट होता है तो उसको हम एज अ स्टार्च सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। या फिर हमारे पास राइस का जो फ्लोर होता है उसका भी अगर आप सॉल्यूशन बनाओगे तो वो भी एक स्टार्च सॉल्यूशन की कैटेगरी में आता है। इन दिस एक्टिविटी आपको 3 टेस्ट ट्यूब लेना है, उस 3 टेस्ट ट्यूब को आपको लेबल्ड करना है ए बी एंड सी, ठीक है। जो आपका फर्स्ट टेस्ट ट्यूब होगा जिसको हमने ए माना है, उसपे आपको 8 to 10 drops लेमन जूस ऐड करना है, मींस उसमें आपको लेमन जूस डालना है। जो आपका सेकेंड टेस्ट ट्यूब होगा उसमें भी 8 to 10 drops आपको वॉशिंग सोडा का सॉल्यूशन डालना है। वॉशिंग सोडा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, आपने 9th class में पढ़ा होगा। बताइए वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को पता है? Na2CO3 × 10H2O, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। और बेकिंग सोडा का क्या होता है, NaHCO3, जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो हमने देख लिया वॉशिंग सोडा, अब हम आते हैं बी टेस्ट ट्यूब में। हमने 8 to 10 drops वॉशिंग सोडा का सॉल्यूशन लिया, और जो हमारा 3rd test tube है जिसको हम सी टेस्ट ट्यूब बोल रहे हैं, उसमें हमने 8 to 10 drops डिस्टिल्ड वाटर का सॉल्यूशन लिया। मतलब तीनों ही टेस्ट ट्यूब में आपने अलग अलग चीजें ली हैं। जो आपका फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है उसमें आपने लेमन जूस लिया है, जो आपका सेकेंड टेस्ट ट्यूब है उसमें आपने क्या ऐड किया है, वॉशिंग सोडा का सॉल्यूशन, और जो आपका, जी बोलिए, वॉइस आ रही है ना? यस मैम। जो 3rd test tube है आपका उसमें आपने डिस्टिल्ड वाटर का 8 to 10 drops लिया है। अब आप क्या करेंगे, लिटमस पेपर की हेल्प से आप पता करोगे कि इन तीनों सॉल्यूशन में कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है और कौन सा आपका न्यूट्रल है, ठीक है। और एसिड बेसिक और न्यूट्रल कैरेक्टर विद द हेल्प ऑफ पीएच पेपर आपको पता करना है, ठीक है। आपने एसिड बेस और जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है उसके बारे में पढ़ा होगा, बताइए क्या होता है? मैम न्यूट्रल 7 होता है, एसिड 7 के पहले आता है और बेस 7 के बाद। वेरी गुड, पीएच वैल्यू ना। चलिए यस मैम, तो इन तीनों ही टेस्ट ट्यूब पे जो आपका ए बी और सी है उसमें आपने पीएच स्ट्रिप को डिप किया, तो बताइए ए बी और सी में कौन सा आपका एसिडिक कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, कौन सा बेसिक और कौन सा न्यूट्रल कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। तीनों ही टेस्ट ट्यूब में कौन से सॉल्यूशन है मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं आपको पीएच स्ट्रिप देती हूँ और ये पूछती हूँ कि बताइए कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है और कौन सा न्यूट्रल है, तो बताइए। कौन सा एसिडिक होगा, कौन सा बेसिक होगा, या फिर ये बताइए कि पीएच स्ट्रिप के हेल्प से आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है और कौन सा न्यूट्रल है। मैम डिस्टिल्ड वाटर न्यूट्रल है, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन एसिडिक है, और होगा वॉशिंग सोडा। मैम ए एसिडिक है। हाँ, और बी बेसिक, बेसिक होगा। देखो जब आप टेस्ट करोगे ना तो जो सी वाला आपका डिस्टिल्ड वाटर है उसकी पीएच वैल्यू 7 आएगी,
जो बी वाला आपका सॉल्यूशन है सोडियम कार्बोनेट का, उसकी पीएच वैल्यू अबोव दी 7 आएगी, और जो ए वाला आपका सॉल्यूशन है उसकी पीएच वैल्यू बिलो दी 7 आएगी। ठीक है, एग्जैक्ट क्या आएगी ये तो हमको पीएच स्ट्रिप से एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चलेगा। तो अगर बिलो दी 7 आ रही है जैसे आपने बताया, तो वो क्या हो जाएगा आपके लिए? एसिडिक हो जाएगा। और अगर अबोव दी 7 आया तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा? बेसिक। बेसिक, ठीक है हाँ। और 7 आया तो वो आपके लिए हो जाएगा न्यूट्रल। न्यूट्रल, चलिए। तो ये तो हमने टेस्ट कर लिया कि कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। इसके आगे हमको क्या करना है, देखिए इन तीनों ही टेस्ट ट्यूब पे आपको 20-25 ड्रॉप्स क्या ऐड करना है, या तो वीट फ्लोर का सॉल्यूशन जो आपने प्रिपेयर किया है। हाँ बोलिए। वॉइस आ रही है ना? यस मैम। यस मैम। हाँ तो देखिए आपको ये सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, इस पे दिया हुआ है, रुकिए मैं आपको बताती हूँ। वहीं ना डिस्कस मत करिए। हाँ तो देखिए इन तीनों ही टेस्ट ट्यूब पे आपको 20-25 ड्रॉप्स क्या ऐड करना है, वीट फ्लोर का सॉल्यूशन या फिर जो स्टार्च सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर किया है उसको ऐड करना है। ठीक है, और ऐड करने के बाद आपको सिमिलर वॉल्यूम ऑफ जितना आपने वीट फ्लोर का सॉल्यूशन ऐड किया है उतने ही वॉल्यूम पे आपको क्या ऐड करना है, जो आपका सलाइवा है, इन अ 3 टेस्ट ट्यूब। ठीक है, और इन तीनों ही टेस्ट ट्यूब को आपको 2 आवर्स के लिए किसके कांटेक्ट में रख देना है, सनलाइट के कांटेक्ट में रख देना है। आफ्टर 2 आवर्स आप इसमें 1% जो आयोडीन सॉल्यूशन है जिसको टिंक्चर आयोडीन भी बोला जाता है, इसको आप ऐड करेंगे। तो ऐड करने पर आपको फिर से टेस्ट करना होगा किसका, कि स्टार्च किसमें प्रेजेंट है। तो हमने ये देखा कि जो स्टार्च है इन तीनों ही टेस्ट ट्यूब पे हमको अपीयर नहीं होता है, जो हमारा फर्स्ट था, सेकंड था और थर्ड था, तीनों ही टेस्ट ट्यूब पे अपीयर नहीं हो पाया। इसका मतलब है कि इना 3 conditions, चाहे एसिडिक कंडीशन हो, चाहे बेसिक कंडीशन हो, चाहे न्यूट्रल कंडीशन हो, तीनों ही कंडीशन पे जो स्ट्राइपा होता है वो स्टार्च से किसने ऑन किया है माइक? चलिए तो ये क्या हो जाएगा आपका, हाँ तो मैंने क्या बोला, तीनों ही टेस्ट ट्यूब पे आपका स्टार्च अपीयर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन ऑल 3 कंडीशंस, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम एंड न्यूट्रल मीडियम, तीनों ही मीडियम पे जो हमारा सलाइवा होता है वो सलाइवा किससे रिएक्ट कर लेता है, स्टार्च से रिएक्ट कर लेता है, ये बात हमको यहाँ से पता चल जाती है। ठीक है, तो तीनों ही मीडियम पर जो हमारा सलाइवा होगा वो स्टार्च से रिएक्ट कर लेता है। इस वजह से आफ्टर एडिंग द आयोडीन सॉल्यूशन 3 टेस्ट ट्यूब डजंट शो इस प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, तीनों ही टेस्ट ट्यूब हमको स्टार्च के प्रेजेंस को शो नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए
ये तो क्लियर हो गया आपको, क्योंकि किसी भी स्टार्च सॉल्यूशन में अगर हम सलाइवा ऐड करेंगे तो वो हमको स्टार्च टेस्ट गिव नहीं करता, बिकॉज हमारा जो सलाइवा होता है उस स्टार्च से रिएक्ट कर चुका होता है। इन बातों से हमको ये क्लियर हो जाता है। जो सलाइवा होता है आखिरकार उसमें होता क्या है, तो सलाइवा एक तरीके का एंजाइम होता है, और एंजाइम का काम क्या है मैंने बताया था, जो फूड में प्रेजेंट जो भी हमारे कॉम्प्लेक्स मटेरियल होते हैं उन कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल मटेरियल में कन्वर्ट करने का इसका काम होता है। ठीक है, तो इन अ स्पेसिफिक कंडीशन एक पर्टिकुलर पीएच रेंज पर, चाहे वो बेसिक कंडीशन हो, न्यूट्रल कंडीशन हो या एसिडिक कंडीशन हो, हमारा जो सलाइवा है जो कि एक तरीके का एंजाइम है वो फूड के डाइजेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक फैक्ट बताया गया है या एक स्टोरी बताई गई है कि कैसे कैसे जो हमारा स्टमक का एक मीडियम होता है फॉर अ डाइजेशन प्रोसेस, डाइजेशन प्रोसेस के लिए स्टमक का एक मीडियम जो होता है उसको कैसे आइडेंटिफाई किया गया था। तो इन 1822 एक अमेरिकन सोल्जर हुए थे जिनका नाम क्या था, मार्टिन। ठीक है, एक्सीडेंटली उनको गोली लग गई थी जिसकी वजह से उनके स्टमक पे एक होल जनरेट हो गया था, वॉन्ड विद शील्ड, मतलब पहले तो उसमें वॉन्ड बना और उस वॉन्ड का वो ट्रीटमेंट कराने के लिए एक डॉक्टर के पास गए जिनका नाम क्या था, डॉक्टर बीमोंट था। ठीक है, तो उनका जो वॉन्ड था वो तो ठीक हो गया, लेकिन उनके स्टमक के कवर्ड फ्लैप ऑफ स्किन पर एक होल क्रिएट हो गया, और उस होल में पाइप डालकर क्या निकाला जा सकता था, उनकी बॉडी के अंदर, मतलब जो स्टमक का मीडियम था वहां पे उस पाइप को इंसर्ट करके जो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है इन अ इनसाइड पोर्शन ऑफ स्टमक, वहां से उस जूस को निकाला जा सकता था। ठीक है, तो उन्होंने विद द हेल्प ऑफ पाइप उनकी बॉडी से जो डाइजेस्टिव जूस था उस जूस को निकाला और उसका एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। ये पहले से ही जो बॉडी के अंदर डाइजेशन प्रोसेस होता है उसकी स्टडी कर रहे थे, और इसके बाद उन्होंने उसी स्टडी को आगे बढ़ाते हुए ये डाइजेस्टिव जूस जो कि स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है उसको उनकी बॉडी से निकालकर विद द हेल्प ऑफ पाइप अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। उन्होंने ये देखा कि जब हम स्टमक के इनसाइड पोर्शन पर डाइजेशन की एक्टिविटी करते हैं इन दिस प्रेजेंस ऑफ दिस जूस, तो जो डाइजेशन ऑफ फूड होता है वो काफी फास्ट रेट से होता है एज कंपेयर्ड टू जब हम बॉडी के आउटसाइड एरिया पर वैसा ही डाइजेस्टिव जूस क्रिएट करते हैं या वैसा ही मीडियम क्रिएट करते हैं, और जो कार्बोहाइड्रेट के कॉम्प्लेक्स मटेरियल होते हैं उनका डाइजेशन का प्रोसेस कराते हैं, तो उनका डाइजेशन का प्रोसेस जब आउटसाइड पोर्शन ऑफ अवर बॉडी करते हैं तो उसका जो रेट होता है, डाइजेशन का जो रेट होता है वो स्लो होता है इन कंपैरिजन टू इनसाइड पोर्शन ऑफ अवर बॉडी या फिर इनसाइड पोर्शन ऑफ अवर स्टमक, आप ये बोल सकते हो। ठीक है, तो इन्होंने इसके बेस पर, मतलब ये एक्सपेरिमेंट करने के बेस पर इन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया कि डाइजेशन के प्रोसेस के लिए सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशंस की जरूरत होती है, और उन्हीं सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशंस में जो हमारा फूड मटेरियल होता है वो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल से सिंपल मटेरियल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, मतलब डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसके लिए एक पर्टिकुलर मीडियम की जरूरत होती है, वो मीडियम उसको बहुत ही बेहतर तरीके से कहाँ पर मिलता है, इनसाइड पोर्शन ऑफ अवर स्टमक, और जिसकी वजह से जो डाइजेशन रेट होता है वहां पर फास्ट होता है, और ये उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया। ठीक है, इसके बाद अराउंड डेकेड ऑफ टाइम जब बीत गया तो एक फ्रेंच साइंटिस्ट आए जिनका नाम एंसेल्म पाइने था। इन्होंने ये क्या डिस्कवर किया था, देखिए जो बार्ले स्प्राउट्स होते हैं उन बार्ले स्प्राउट्स में इन्होंने जो भी स्टार्च प्रेजेंट होता है उसको सुगर में कन्वर्ट किया और उसका नाम क्या दे दिया, डाइएस्टेज एक नाम दे दिया।
डाइजेस्टेस क्या होता है पूछोगे, तो ये एक तरीके का एंजाइम होता है, याद रखिए। और बाद में इन्होंने इस डाइजेस्टेस एंजाइम को एक नाम दिया जिसका नाम क्या था, एमाइलेज। सबसे पहले क्या किया, बार्ले स्प्राउट्स को लिया, इसमें प्रेजेंट बार्ले स्प्राउट्स में प्रेजेंट जो स्टार्च होता है, ये भी कार्बोहाइड्रेट का एक सोर्स होता है आपको पता होगा, और इसमें भी स्टार्च होता है, उस स्टार्च को उन्होंने सुगर में कन्वर्ट किया और उस सुगर का नाम क्या दे दिया, डाइजेस्टेस। आफ्टर सम टाइम उन्होंने उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, एमाइलेज कर दिया। बट ये जो नाम है उन्होंने उसके किसी एक्टिविटी को देखकर ही किया होगा। तो देखिए आगे उसी के बारे में बताया गया है, एमाइलेज होता क्या है, एमाइलेज एक तरीके का एंजाइम होता है जो कि एक्चुअल में कहाँ से सीक्रेट होता है, जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं उन सलाइवरी ग्लैंड से ये जो एमाइलेज नाम का एंजाइम है ये सीक्रेट होता है, और ये किसमें हेल्प करता है, डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा तो इन्होंने यही बात बताई कि ये जो एंजाइम्स है जो कि इनसाइड पोर्शन ऑफ अवर बॉडी मिल रहे हैं, इनको आउटसाइड एरिया में भी क्या किया जा सकता है, जनरेट किया जा सकता है। फिर इन्होंने ये बताया कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जिससे एमाइलेज नाम का जो एंजाइम है वो सीक्रेट होता है, वो डाइजेशन में हेल्प करता है, और इसके अलावा सेवरल बैक्टीरिया या फिर सम टाइप ऑफ फंगी या फिर सर्टेन जो प्लांट्स होते हैं, ये जो एमाइलेज एंजाइम है ये तो सलाइवरी ग्लैंड में मिलता ही है, साथ में कुछ टाइप के बैक्टीरिया, कुछ फंगी और कुछ प्लांट्स से भी हमको ये क्या होता है, अवेलेबल होता है। और जनरली इनको हम किस फॉर्म पे शो करते हैं, ये एंजाइम्स जहां से हमको फाउंड होते हैं इन एंजाइम्स को ही क्या बोला जाता है, डाइजेस्टिव जूस बोला जाता है, ठीक है। और कलेक्टिवली इन डाइजेस्टिव जूस को या फिर बार्ले स्प्राउट के थ्रू जो हमको एंजाइम्स अवेलेबल होता है, या तो वो एमाइलेज के फॉर्म पे मिल सकता है या तो डायस्टेस के फॉर्म पे मिल सकता है, इन एंजाइम्स को क्या बोला जाता है, इन सम टाइप ऑफ डाइजेस्टिव जूस को ही हम क्या बोलते हैं, एंजाइम बोलते हैं। और इन डाइजेस्टिव जूस के डिफरेंट नेम होते हैं, डिफरेंट नेम क्यों होते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट ऑर्गेन ऑफ अवर बॉडी सीक्रेट होते हैं, ठीक। और इन्हीं सभी को इन अ कलेक्टिवली फॉर्म हम क्या बोलते हैं, एंजाइम्स बोलते हैं। तो एंजाइम्स क्या होता है आपसे पूछा जाएगा, तो इट इज अ टाइप ऑफ डाइजेस्टिव जूस एंड दे सीक्रेट इन अ डिफरेंट डाइजेस्टिव ऑर्गेन ऑफ अवर बॉडी, आप ये बोल सकते हो, एंड विच इज हेल्प देम टू डिसोसिएट कॉम्प्लेक्स मटेरियल टू सिंपल मटेरियल ऑफ द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स, आप ये बोल सकते हो, ठीक है। मतलब एंजाइम्स क्या करते हैं, एक तरीके के डाइजेस्टिव जूस होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल मटेरियल में या फिर लार्ज मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में डिसोसिएट करने का काम करते हैं, ठीक है। और इस एंजाइम्स वर्ड की मीनिंग जो है, एक्चुअल जो मैंने आपको अभी बताया, इसकी मीनिंग इन 1877 एक साइंटिस्ट हुए थे टू लिव इन, इसका मीनिंग क्या होता है उसके बारे में उन्होंने बताया था कि इसका मीनिंग होता है टू लिव इन, ठीक है। इसके बाद बहुत सारी डिस्कवरीज होती गई और उसमें ये बात पता चली कि एंजाइम्स ये काम तो करता है, साथ ही साथ ये एक तरीके का क्या होता है, प्रोटीन भी होता है जो कि हमारी बॉडी के सेल्स में प्रेजेंट होता है, और हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं, और उन्हीं न्यूमरस टाइप ऑफ सेल्स से ये जो एंजाइम्स होते हैं ये सीक्रेट होते रहते हैं। और जनरली इन एंजाइम्स का काम क्या है, हमने देखा ये लार्ज मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल में डिसोसिएट करते हैं। एक एंजाइम्स और यहाँ पे बताया गया है, अभी तक हमने एक ही टाइप का एंजाइम पढ़ा है जो कि सलाइवरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है, और उसका नाम क्या है, एमाइलेज, याद रखिएगा इस बात को। विच टाइप ऑफ एंजाइम्स आर सीक्रेट इन अ सलाइवरी ग्लैंड, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में,
आई थिंक 2019 का जो आपका 10th बोर्ड का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। और साथ में यहाँ पर कुछ अदर ऑर्गन जो होते हैं वहां से जो एंजाइम सीक्रेट होती है, तो एक एंजाइम है हमारा पेप्सिन। पेप्सिन नाम का एक एंजाइम है जो कि कहाँ से सीक्रेट होता है, स्टमक से सीक्रेट होता है, याद रखिएगा। और ये प्रोटीन लगभग 50 टाइम्स इट्स वेट ऑफ प्रोटीन इन अवर बॉडी उसको एक आवर में क्या कर सकता है, डाइजेस्ट करने की एबिलिटी रखता है ये जो पेप्सिन एंजाइम होता है ये। और ये जो एंजाइम है डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसको काफी सम आवर्स मतलब काफी कम टाइम में ही उसको क्या कर देता है, जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल होते हैं फूड के उसको सिंपल में कन्वर्ट करने का काम करता है। कौन सा एंजाइम? पेप्सिन एंजाइम, जो कि कहाँ से फाउंड होता है, स्टमक से फाउंड होता है, ठीक है। इसके अलावा भी अदर टाइप ऑफ एंजाइम्स हमारी बॉडी से सीक्रेट होते हैं, हमारी बॉडी के सेल से सीक्रेट होते हैं, और जिसको हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स बोलते हैं क्योंकि ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इस वजह से जनरली ये जो एंजाइम्स होते हैं अगर पूछा जाएगा तो जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं उसके आउटसाइड एरिया पर या फिर उसके वॉल पर, जो हमारा डाइजेस्टिव गट होता है या डाइजेस्टिव जो हमारा पाइप होता है जिसको एलिमेंट्री केनाल भी बोला जाता है, उसके वॉल पर ये सारे ट्यूब जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और इन्हीं ट्यूब से क्या निकलता है, ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव जूस हैं वो सीक्रेट होते हैं, और ये किसमें हेल्प करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसके आगे का जो टॉपिक्स है उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। आज हमने एक्टिविटीज के बारे में देखा और डाइजेशन में कौन सा एंजाइम कहाँ से सीक्रेट होता है और वो क्या हेल्प करता है उसके बारे में हमने देखा है, और किन किन मीडियम्स में डाइजेशन अच्छे तरीके से हो सकता है ये भी हमने देखा, ठीक। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू मैम। इट्स ओके।